उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी एक ताजा अपडेट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी ने इन जिलों में घने कोहरे और बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने घने कोहरे और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज के बाद मौसम में एक बार फिर से करवट बदलेगा और ठंड बढ़ेगी। यह बढ़ती हुई ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने आज से तीन दिनों के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और बारिश को लेकर चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। इसी बीच आपको बता दें कि जिले में मौसम विभाग ने तीन दिनों तक प्रदेश भर में घने कोहरे, शीतलहर और बारिश को देखते हुए अलग अलग जिलों के लिए येलो, ऑरेंज, कहीं आपको बता दें रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरावट दर्ज की जाएगी। ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी। वहीं राज्य में बढ़ती हुई सर्दी लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकती है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है, वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय राज्यों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में आने वाले तीन दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट की संभावना है। वहीं दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश भर के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति भी रहेगी। पश्चिमी यूपी में आपको बता दें बारिश का असर देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन जिले हैं जिनमें बारिश और घना कोहरा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि प्रयागराज, जालौन, हमीरपुर, झांसी, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, ललितपुर, महोबा, बदायूं, संभल, शाजापुर, पीलीभीत, बरेली, अमरोहा, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, हाथरस, बुलंदशहर, नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, आपको बता दें कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा और आपको बता दें इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर अलर्ट और चेतावनी जारी की है। इसी बीच आपको बता दें कि बर्फ से लदे पहाड़ बीते दो तीन दिनों कमाबेश लगातार हो रही बर्फबारी की बदौलत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी ने सभी प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। हालांकि इससे जनजीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इटावा सबसे ठंडा स्थान मौसम विभाग ने कल जारी किया था। यूपी में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। अगले 3-4 दिनों तक उत्तर प्रदेश के कई अंचलों में सुबह और रात में बहुत घना से अत्यधिक घना कोहरा रहने की भी चेतावनी जारी की है। चलिए जानते हैं वीडियो के आखिर में कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत और किन-किन राज्यों में अभी ठंड ढाएगी कहर। तो आपको बता दें दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से पड़नी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश समेत बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट और ठंडी हवा चलने के कारण सर्दी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।